खुशी मौजूद मेहमाना निगरानी। अब हम आपके सामने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पंजाब बैंड नंबर 58 का डेमोस्ट्रेशन पेश कर रहे हैं। इस डेमोस्ट्रेशन में ये बताने की कोशिश की जाएगी कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट मद्देनजर रखते हुए जवानों की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में जदीद खतूत पर तरबियत की गई है, ताकि ये अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से नबरदजमा होने के दौरान मुख्तलिफ जंगी चालों और मुख्तलिफ तरीकों से गैर मुल्की इंजीनियर्स और मेहमानों को दहशतगर्द हमला से बचाने और उनकी हिफाजत मुल्क और कौम की सलामती को यकीनी बनाते हुए इस अजीम पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक मनसूबे व दीगर तनसीबात की तकमील में अहम किरदार अदा कर सके। अब हम जो डेमोस्ट्रेशन पेश करने जा रहे हैं, मार्शल आर्ट लड़ने के फख्तरे फनून का नाम मार्शल आर्ट है। इसमें हाथों, मुक्कों, कोनियों और टांगों का इस्तेमाल करते हुए मुखालिफ को कम से कम ताकत में ज्यादा ये दस्ता अटैक्स, लॉक्स, ब्लॉक्स का मुजाहरा करेगी। जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता। डेमोस्ट्रेशन डिसआर्मिंग, ये दस्ता डिसआर्मिंग का मुजाहरा करेगा। खाली हाथ दुश्मन से वेपन छीनने को डिसआर्मिंग कहते हैं। आइए देखते हैं ये डेमोस्ट्रेशन। ना तो जमी के लिए ना तो आसमां के लिए, ना तो जमी के लिए ना तो आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। वेपन छीनने का ये खूबसूरत मुजाहरा न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूं समंदर उछाल देता। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन, ये दस्ता मार्शल आर्ट की टेक्निक
काता का शानदार मुजाहरा करेगा। आइए देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। घोड़ों की बागे थामे हुए बेदार हैं हम, घोड़ों की बागे थामे हुए बेदार हैं हम, हर लमे हर आठ पर है दुश्मन खबरदार हैं हम। सारने का नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन शो फाइट। ये दो जवान मार्शल आर्ट की टेक्निक शो फाइट का मुजाहरा करेंगे। शो फाइट को मार्शल आर्ट की फर्जी फाइट कहते हैं। आइए देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शोक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शोक। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन आग के रिंग में जंप लगाना। अब हम आपके सामने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुजाहरा पेश करेंगे, जो इस बात की अकासी करता है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में इनको दौरे हाजिर से नबर दजमा। शानदार खूबसूरत मुजाहरा। अजल से रच गई बुलंदी अपनी फितरत में, अजल से रच गई बुलंदी अपनी फितरत में, कट जाना तो आता है झुक जाना नहीं आता, झुक जाना नहीं आता। अब आपके सामने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के ये जवान मोमेंट टावर बनाकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा पेश करेंगे। आइए देखते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन। मेरे वतन की मट्टी मेरी बनी पहचान, जहां रूस स्टेशन वेपन खोल जोड़। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी में वेपन का इस्तेमाल और उससे मुकम्मल वाकफियत बुनियादी अहमियत का हामिल है। किसी भी ऑपरेशन या इमरजेंसी की सूरत हाल में अगर पुलिस ऑफिसर का वेपन खराब हो जाए और वहां माकूल रोशनी का इंतजाम भी ना हो, तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए दौरान ट्रेनिंग कॉलेज हाजा में ऐसी तरबियत दी जाती है, जिसका अमली मुजाहरा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवान आपके सामने पेश करेंगे।
और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हथियारों को मुकम्मल खोलेंगे और दोबारा जोड़ेंगे। आइए देखते हैं ये डेमोंस्ट्रेशन। परिंदों से कह दो टहनियों के निशेमन से ना उतरे, परिंदों से कह दो टहनियों के निशेमन से ना उतरे, जहां हर शख्स उकाबों की तरह है। इस बात का डर नहीं कि मिट जाएंगे, जो कुछ पाया है वही लुटाएंगे। तुम देख कर चलते हो जमाने की हवा, हम वक्त की दीवार से टकराएंगे। आपके सामने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। अचानक दो दहशतगर जो पहले से घात लगाए बैठे हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की मोबाइल गाड़ी पर फायरिंग करती है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन करते हैं। बड़ी हिफाजत से रखा है इन चिरागों को, बड़ी हिफाजत से रखा है इन चिरागों को, बुझते बुझते भी हवाओं से उलझ पड़ते हैं। कमांडर के हुक्म के बाद दोनों दहशतगर्दों को स्पॉटिंग की फायरिंग से दोनों दहशतगर्द अपनी हालत में बाल के शाहीनों इन दिल वालों को सलाम, बाल के शाहीनों इन दिल वालों को सलाम, ए पाक वतन तेरे रखवालों को सलाम। इस असीम मंसूबे को सबूतास करने के लिए इंटरनेशनल सतह पर साजिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में काम करने वाले आपके सामने गैर मुल्की कैंप में मेहमान व अमला अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल है कि अचानक दो मोटरसाइकिल्स पर सवार चार दहशतगर्द मेन गेट पर तैनात तीन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के एहलकारों पर फायरिंग करते हुए गैर मुल्की कैंप के अंदर दाखिल होते हैं और अमला को जड़बाड़ मारने की कोशिश करते हैं। मूवी बनाते हैं और मैं कहना पापड़ बनाते हैं। कैंप की सिक्योरिटी पर तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवान फौरी कार्रवाई की वजह से इस हमला को नाकाम बनाने में कामयाब होते हैं।
और चारों दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर वापस फरार हो जाते हैं। आपके सामने गैर मुल्की मेहमान प्रोटेक्टिव स्कूटी में कैंप के अंदर आ रहे हैं। हमला की इतला वजीरिया 15 इतला मिलते ही स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों की दो मोबाइल टीमें मुतरक होकर 15 की पॉइंट आउट की हुई जगह की तरफ तेज से बढ़ती हैं और दहशतगर्दों की तरफ बाद अज मुकाबला दहशतगर्दों को करते हैं। आइए देखते हैं ये डेमोंस्ट्रेशन। आपके सामने दो मोटरसाइकिल पर सवार चार दहशतगर्द गैर मुल्की मेहमानों के कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कैंप के बाहर मुख्तलिफ रेहड़ी बांध अखबार फरोश व दीगर लोग अपने अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ हैं। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल से उतरते ही मेन गेट पर मौजूद छोटी हेल्प पर फायर किया है। और गैर मुल्की मेहमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए से कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों की बर्बाद कार्रवाई की वजह से चारों दहशतगर्द हमला में नाकामी के बाद अपने अपने मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं। कैंप पर हमला की इतलाव 15 को फौरी दी जाती है और 15 हमला की इतलाव मुतलका बीच में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूल स्पेशल प्रोटेक्शन टीमों को देता है और दहशतगर्दों की निशानदेही कर दी जाती है। इतलाव मिलते ही पेट्रोलिंग मोबाइल 15 के बताए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की मोबाइल करती है। एक नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की हथियां मिटा देना, मौत से जो डर जाओ तो जिंदगी नहीं मिलती, मौत से जो डर जाओ कि जब जीतना चाहो तो मिट्टियां जला देना। दूसरी पेट्रोलिंग मोबाइल ने दहशतगर्दों को आगे से काउंटर किया। चारों को गिरफ्तार किया जाता है और उनसे नजायज मेरे काफले में शामिल कोई तंग नजर ना हो, मेरे काफले में शामिल कोई तंग नजर ना हो, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। बाकी छोड़ 10 सेकंड।